इतना रुपए मैं अगर तुम्हें देता हूँ तो तुम उस पैसों के लिए से छोड़ सकती हो, क्या कह रही हो? एक महीने की सैलरी कुछ पैसे अगर मैं और दूँ तुम्हें, ये 2000 के नोट हैं, ये कुछ ऐसे ही है, लगभग 1.5 लाख रुपए के आसपास हैं, ठीक है, और कुछ और भी है मेरे पास, 1.5 लाख रुपए के आसपास ये है, और 1.5 लाख रुपए का नहीं, ये शायद 70,000 रुपए के आसपास है, ठीक है, ये कुछ पैसे हो गए। ये पैसे अगर मैं तुम्हें दूँ कि तुम अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ दो। हे वॉस बैक टू मेरी चैनल बैक अगेन न्यू वीडियो के। आज का सीन ऐसा है कि अब पार्क में आए शूट करने, वहाँ पर एक लड़का लड़की बैठे हैं, कम से कम हम लोग उस साइड में शूट कर रहे थे, 10-15-20 मिनट हो गए, 45 मिनट के आसपास से 40 मिनट हो गए, 45 मिनट भी आधा घंटे से देख रहा हूँ मैं कि इतनी ज़्यादा प्यारे कपल्स हैं, इतनी ज़्यादा प्यारा रिलेशनशिप लग रहा है, प्यार से बात कर रहे हैं। तो आज मेरे दिमाग में एक खुरापात वाली चीज़ आई है, बहुत ज़्यादा खुरापात वाली चीज़ आई है, और वो मैं वीडियो में करता हूँ जाके, टाइम को बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए। एक सेकंड के लिए वीडियो स्किप मत करना, मिलते हैं वीडियो के एंड में। एक्सक्यूज मी, 2 मिनट यहाँ बैठ सकता हूँ तुम लोग, कोई दिक्कत ना हो तो। पर क्यों? 2 मिनट कुछ बात करनी है, 2 मिनट बैठ रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो आइए बैठिए, यहाँ बैठ जाता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात, मुझे तुम्हारा कपल एक प्यारा सा लगा, ऐसा नहीं है, छेड़ बैठ रहा हूँ, बहुत सुधरों को लगाऊँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तुम लोग ना, मैं जस्ट 15 से 20 मिनट, आई थिंक 40 से 45 मिनट हो गए वहाँ बैठ रहा था, मैं देख रहा था, इतना ज़्यादा क्यूट लग रहा था ना दोनों, इतना ज़्यादा क्यूट लग रहा था, शायद इतना ज़्यादा क्यूट अभी मैं इन महीनों में तो कोई नहीं देखा, फरवरी से लेके अभी तक, मजाक से हट के। कब से रिलेशनशिप में, कितना टाइम हो गया तुम्हें? 7 साल से रिलेशनशिप में हम लोग, सच में झूठ बोल रहे हो? झूठ क्यों बोलेंगे यार, झूठ बोलने वाली क्या बात है? तो मतलब 7 साल, तो उसका मतलब कितने कितने बड़े हो गए यार उस टाइम तुम लोग? अच्छे रिलेशनशिप में तुम थे साथ में, अच्छा रिलेशनशिप ही हुआ है तो मतलब थे नहीं हो तो बीच में दिक्कत नहीं आती है कोई यार कभी की, भाई तूने मेरे देर से रिप्लाई करा, सीन कर लिया पर रिप्लाई नहीं करा, इंस्टाग्राम पे ऑनलाइन है, बट किसी और को तूने किसी और को तूने फॉलो क्यों किया और ये सब वैसा सब है। तो अब कभी ऐसा नहीं हो, इतनी ज्यादा लड़ाइयाँ बढ़ गई कि तुम ब्रेकअप वाली बात आ गई, हम अलग हो रहे हैं, वैसा कुछ बात नहीं होती थी, फिर दोबारा तो क्या श्योरिटी है कि तुम हमेशा साथ में रहोगे? नहीं, वो 7 साल से 7 बरस बनाना है, वो साथ जाना है हमारे। अच्छा, घर में पता है तुम लोग? हमारे घर में बता दिया सबको, जब रहना साथ में तो फिर घर में बता दूंगा। अच्छा अच्छा, तो घर वालों को कोई दिक्कत नहीं है तुम लोग रिलेशन से? घर वालों को दिक्कत होगी, घर वालों को भी दिक्कत होगी, उनको पता ऑलरेडी। अच्छा, तो वो लोग कोई दिक्कत क्रिएट नहीं करते कभी कि तुम लोग मिलते वगैरह हो या साथ में फोटोज वगैरह तो डालते हो सोशल मीडिया पे? पहले शुरुआत में होता था। अच्छा, अब तो कभी ऐसा हो कि इसकी जिंदगी में कोई अच्छा लड़का आ जाए, मतलब बढ़िया स्मार्ट लड़का हो, सारी चीजों में अच्छा हो, तो ये अच्छा कोई ऐसा आ जाए तुम्हारी जिंदगी में जो अंडरस्टैंडिंग हो बहुत ज्यादा, ऐसी थोड़ी बन जाती है अंडरस्टैंडिंग, फिर कैसे बनती है भाई? किसी के साथ नहीं बनती। अगर तुम्हारी लाइफ में कोई ऐसी लड़की आ जाए तो बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो, हद से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो, कि मतलब इतनी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो कि भाई इतनी ज्यादा ये भी नहीं है, तो तुम क्या करोगे? मतलब वो तुम्हारा सब रिलेशनशिप आने के लिए फोर्स करे तुम्हें, ये सब चीजें करे तो तुम क्या करोगे? मुझे नहीं पहना। अच्छा, नहीं आ सकता वो तो बिलीव है तुम्हें एकदम से कि नहीं आ सकता? 100% भरोसे वाला है साहब, बिलीव है यार, भरोसा है, सब कुछ है। तो इतना टाइम तो तुम शादी में, फिर तो शादी वादी का भी सीन तुम कर ही लोगे मुझे लग रहा है। शादी हो जाएगी अभी कुछ टाइम में। इतनी छोटी हो तुम, इतने छोटे हो मतलब अभी नहीं, 3-4 साल कुछ सालों में, मतलब लेकिन ये है कि कमिटेड ऑलरेडी है। तो भाई शादी एक बहुत बड़ा फैसला होता है, ऐसा नहीं है शादी कर लिए ठीक है, भाई जान लिए तो 7 जन्म क्या चीज। अरे 7 साल निकाल लिए तो 7 जन्म क्या चीज है, ये भी चीज़ अच्छी है भाई, बढ़िया है। मैं देख रहा था काफ़ी टाइम में, इतना ज़्यादा क्यूट लग रहा है रिलेशनशिप, क्योंकि आजकल ऐसा होता है ना कि हर कोई कोई किसी के पीछे भाग रहा है, कोई किसी चीज़ के पीछे भाग रहा है, कोई मतलब लोग खुश नहीं है, साथ में नहीं है, और तुम लोग खुश लग रहे हो। ऐसा नहीं कि मैं खुश नहीं हूँ, मैं भी ठीक हूँ, सिंगल में ठीक है मेरा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, बट फिर भी लगता है ना ऐसा, कभी तो लगता ऐसा लगता हुआ कि यार सरदर्दी हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रहा है यार, हटाओ यार, ऐसा नहीं लगता कभी कि बहुत ज़्यादा? कभी कभी हमें घर वालों से भी टेंशन हो जाती है बात करके कि हम नहीं करते यार,
कि घर वाले ज्यादा बुरा कह रहे हैं कुछ ये वो गुस्सा हो जाता है कभी कभी होता है कभी कभी नहीं तो रिलेशनशिप में तो अपने आप हो ही जाती है सब कुछ मामला थोड़ी बहुत लड़ाइयां तो सबके बीच होती हैं और जब लड़ाई नहीं होगी तो प्यार कैसे दिखेगा हां ये भी देखिए हां लड़ाई नहीं है वहां प्यार है चार बर्तन है वो खटकते हैं इंडियन वाली कहावत कौन मना रहा है कौन नहीं मना रहा कौन क्या कर रहा है क्या नहीं तो ये तो मैं कैसे मनाता जब तुम गुस्सा हो जाती हो प्यार से सभी गुस्से में और तुम गुस्सा हो जाती हो तो ये तो मैं कैसे मनाता गुड नाइट बैठ के रोज रोज देखे कैसे मनाते एक दूसरे को मैं खुद ही मान जाती हूं कि मैं रह ही नहीं पाती मैं सबकी बातें कर रहा हूं दिक्कत तो नहीं होगी मैं अपनी पुरानी दिन याद कर रहा हूं लोगों के साथ हूं थोड़ा सा कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं ऐसी बातें कर रहा हूँ अब तुम लोग लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है मतलब क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है घर वाले इंपॉर्टेंट हैं प्यार इंपॉर्टेंट है और मतलब पैसा इंपॉर्टेंट है मतलब जो भी चीज़ें हैं इमोशंस क्या ओवरऑल सब कुछ इंपॉर्टेंट है या फिर अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा फैमिली से भी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं नहीं फैमिली से ज़्यादा नहीं फैमिली एक अलग चीज है हम दोनों के बीच होगी तो हम फैमिली को भी फेस कर पाएंगे उन्हें भी अपने आप पे ट्रस्ट दिला पाएंगे कभी ऐसा होगी तुम्हारे घर वाले तुम्हारे लिए अच्छी लड़की ढूंढने से ज्यादा नहीं घर वालों को ऑलरेडी पता है इसके बारे में तो कोई ढूंढते ही नहीं और तुम्हारे लिए अच्छा लड़का ढूंढने एक वेल सेटल्ड एकदम BMW ऑडी वगैरह वाला मेरी खुशी इंपॉर्टेंट है अच्छा और उन्हें पता है जब वो घर वाले भी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा सॉर्ट आउट है यार तुम्हारी लाइफ तुम लोग भी पहली बार देख रहा हूँ इतनी लाइफ तो नहीं होती बनानी पड़ती है एकदम से नहीं होती अगर मैं तुमको सामने एक कंडीशन रखूंगा कि ये कुछ कुछ पैसे हैं मेरे पास तुम लोगों के सामने अगर मैं ये कंडीशन रखूंगा कि ये कुछ पैसे हैं अगर मैं दूंगा तुम दोनों में से किसी को तो तुम इस पैसों के लिए इसे छोड़ सकते हो यार तुम मजाक क्या मजाक है कैसे नॉर्मल बात कर रहा हूं मैं तो यार तुम इस पैसों के लिए इन्हें छोड़ सकती हो नहीं छोड़ सकती नहीं यार पैसा तो सब कुछ है पैसे से हम सारी चीजें पूरी कर सकते हैं यार यार तुम पैसे से किसी रिश्ते प्यार से हम अपना घर नहीं पाल सकते अपने पेट नहीं पाल सकते अपने शौक नहीं कर सकते अपने कपड़े पहने हैं साथ रह के बहुत कुछ कर सकते हैं कपड़े पहने ये भी तो पैसों से लिए होंगे या प्यार दुकान वाले से जो शॉपिंग मॉल या दुकान कहीं भी जाके लिए बोले प्लीज दे दो ना प्लीज ऐसे करके दे दिया ना प्यार तो प्यार से बोल के या फिर पैसों में तो ये होंगे ना नॉर्मल सी बात बता रहा हूँ मैं पैसों में तो हुए होगा ना तेरी लाइफ में भाई क्या इंपॉर्टेंट है तेरे मतलब जो भी फीस भरता है तू जहाँ भी जाता है स्कूल में जाता है उसकी फीस भरता है या फिर जॉब करता है जॉब में तेरे पास पैसे आते हैं तो उस चीज़ में क्या इंपॉर्टेंट है पैसे इंपॉर्टेंट है या फिर क्या इंपॉर्टेंट है यार ऑलरेडी रिलेशनशिप भी इंपॉर्टेंट है पैसा क्या पैसा तो आती जाती माया आता रहेगा जाता रहेगा यार अगर लाइफ में हर चीज़ पैसे से ही होती है ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो पैसे से नहीं होती वैसे तुम्हारा शेड्यूल क्या रहता है तुम क्या करते हो पढ़ते हो जॉब करते हो क्या करते हो मैं पढ़ता भी हूँ और मैं साथ साथ अर्न भी करता रहता हूँ और मैं कुछ सीखता वगैरह महीने के मतलब पूछना नहीं चाहिए चीज़ महीने के कितने लगभग कितनी सैलरी है कितना कमा लेते हो सैलरी से या फिर ऐसे कैसे भी यार महीने के 20,000 के आसपास 20,000 के आसपास महीने कमा लेते हो ठीक है और शेड्यूल क्या खर्च कैसे कैसे होते हैं पूछना नहीं चाहिए बट एक नॉर्मल सी चीज़ है बताओ कितना खर्च क्या खर्च तो हो ही जाते हैं अब आपको पता ही है जब चार पैसे होते हैं जिनमें तो ठीक है कमाते हो खर्च हो जाते हैं तुम्हारा सोर्स अर्निंग क्या है अभी तो मैं भी जॉब ही कर रही हूँ जॉब ही कर रही हो तुम भी ठीक है अगर तुम इतना रुपए मैं अगर तुम्हें देता हूँ तो तुम उस पैसों के लिए छोड़ सकती हो क्या कह रही हो एक महीने की सैलरी 20,000 के आसपास ये कुछ 20,000 के आसपास ही है ठीक है कोई नहीं और अगर मैं कुछ पैसे और दूँ एक महीने के पैसे के लिए मैं 7 साल का तैयार हूँ क्या बात कर रहे हो कुछ पैसे अगर मैं और दूँ तो मैं ये 2,000 के नोट हैं ये कुछ ऐसे ही है लगभग 1.5 लाख रुपए के आसपास हैं ठीक है और कुछ और भी है मेरे पास 1.5 लाख रुपए के आसपास ये है और 1.5 लाख रुपए के नहीं ये शायद 70,000 रुपए के आसपास है ठीक है ये कुछ पैसे हो गए ये पैसे अगर मैं तुम्हें दूँ कि तुम अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ दो तो तुम्हारा क्या होगा उसमें छोड़ पाओगे या नहीं छोड़ पाओगे अपने बॉयफ्रेंड को नहीं छोड़ पाऊंगी बहुत प्यार करती हो एक बार एक चीज़ सोचो तो कि यार सब चीज़ बहुत ज़्यादा हो सकती है चीज़ें हद से ज़्यादा मतलब इन चीज़ों में क्या नहीं कर सकती यार तुम क्लब्स घूम सकती हो मेट्रो की जगह कैब्स में कर सकती हो कितने टाइम का खर्चा निकलेगा सारी चीज़ अच्छा खा सकते हो तुम्हारी खत्म हो ही जाएगी तुम्हारी स्टोरी स्नैप्स और ये सब अरे इससे तुम और ज़्यादा चीज़ें अच्छी अच्छी जगह जा सकते हो अच्छे लोगों से जान पहचान बना सकती हो ठीक है बहुत सारी चीज़ें तुम और ज़्यादा खूबसूरत ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं ऐसी क्या चीज़ है जो पैसे से नहीं आती हमारी लिपस्टिक इतनी अच्छी लग रही है आई तो पैसों से ही होगी आई लाइनर मश्कारा में मुझे नहीं पता ये चीज़ लेंस लगाए इतनी प्यारी आँखें लग रही हैं पैसों से तो आई होंगी
तो उन पैसों के लिए इसे नहीं छोड़ सकती तुम? नहीं छोड़ रही, मैं खुद पूरी कर सकती हूँ। खुद पूरी कर सकती हो, प्यार बहुत ज़्यादा है मतलब है। और ये कंडीशन मैं तुम्हारे सामने अगर रखूँ कि तुम इन पैसों के लिए इसे छोड़ सको, जिससे देख तेरी कम से कम कुछ नहीं कुछ नहीं तेरा महीना खर्च होगा 20,000 रुपये, तेरी सैलरी है 2.5 से 3 लाख रुपए के आसपास है, 2.5 से 3 लाख रुपए के आसपास है तेरी पूरे साल की, छोड़ 2 साल की, तेरी 2 साल की सैलरी हो जाएगी, 1 साल की सैलरी होगी तेरी कम से कम, ये पता। और कुछ और भी दे सकता हूँ यार मैं, और क्या, इतने काफ़ी हैं फिलहाल, इतने बहुत हैं यार, 2.5 लाख बहुत होते हैं। अगर मैं इतने पैसे तुझे दूँ भाई, अच्छा तो तू उसे छोड़ सकता है? शांत हो गया है तो यार। अरे मैं, अरे यार ये तो हंसरा है यार, थोड़े से नहीं बहुत होते यार, 2.5 लाख रुपए बहुत होते हैं, थोड़े से नहीं यार, साथ में मिलके कमा लेंगे, साथ में मिलके कमा लोगे इतने इतने, कितने कितने महीने में कमाओगे इतने पैसे? वो तो कुछ बोल ही नहीं रहा, तुम तो बोलो यार कुछ। क्या बोलूं मैं, सोच चाहो तो रख सकते हो। अरे मैं सोच मतलब देख, इससे तेरी फीस का जहाँ भी तू देता है, जो भी देता है, तेरा बाइक का पेट्रोल, बाइक है गाड़ी है कार है? बाइक है, बाइक है, बाइक का पेट्रोल तेरा, ठीक है, उसके बाद में वहाँ घर वालों को ले खर्चा करो, वो यार वो इंटरेस्टेड है इसमें, वो इंटरेस्टेड है यार, तुम्हारा फीस क्यों उतर रहा है तुम? ठीक है बता क्या, ये रख, ये पैसे रख पहले, ये पैसे रख अपने पास, रख ले पैसे, क्या गारंटी है अगर आप ऐसे कर रहे हो? क्या गारंटी है, जबान है भाई, जबान दे रहा हूँ यार मैं, इससे ज्यादा क्या होगा, जबान से बड़ी वैल्यू कुछ कुछ नहीं यार, ये पैसा जबान है। छोड़ो तुम यार, क्या कर रहे हो ये सब? अरे रुको तो सही, तुम दो ना पैसे। अरे रुको, कितने हैं टोटल? ऐसे ही 2.5 लाख या फिर 2,30,000 के आसपास होंगे यार, दो मतलब कह सकते हो 2,000 के ज्यादा है, इसमें 500 के भी ज्यादा है, कोई नहीं वो गिन लेना यार, रख ले बाकी गिन लेना पैसे यार। अब तुम्हारा प्यार लॉयल्टी सही है अपनी जगह, बट यार पैसा चाहिए नहीं, पैसे ले, पैसा भी है अपनी जगह भाई, पैसा है तो अभी तो ले लिया, तुम दे दो उनके पैसे, दे दो पैसा, तुम क्यों, वो तो इंटरेस्टेड है, वो तो इंटरेस्टेड है हर चीज में, पकड़ का रहा हूँ मैं पैसे, मैंने बस पैसा सब कुछ होता है यार भाई, पैसा सब कुछ होता है, लड़की है ठीक है, ये है तेरे साथ में, तब भी तो खर्चा ही है ना, ये तो बात, कुछ तो खर्चा होता होगा ये साथ में, कितना भी अच्छी है कितनी भी, कुछ तो खर्चा कराती होगी यार, साथ जन्म का तुम्हारा प्यार था यार। अरे मतलब हाँ पैसे भी होने चाहिए ना कम से कम जेब में, तो पैसे तो हम साथ में भी कमा सकते हैं, कमा तो सकते हैं, तो इन पैसों के लिए इसे छोड़ के जा सकता है ना अभी, ऐसा नहीं है कि मेरे साथ में ऐसा एक मैं करना चाहता हूँ ये चीज़ कि भाई पता नहीं पैसे लेके तू जा पाएगा नहीं जा पाएगा, वो इंटरेस्टेड है यार, आप जा सकते हो ना इस पैसे के लिए, मैं बस 5 मिनट से बात करूंगा, अब मैं ना रिलेशनशिप में आ रहा हूँ ना कुछ, इस पैसे के लिए जा सकता है यहाँ से इसे छोड़ के, ठीक है फिर चल भाई, सुन रहे हो मेरी बात? अरे क्या यार तुम ऐसे कैसे कर रहे हो, तुम पैसे दो उनके, छोड़ो ये सब नहीं, अरे यार मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, हम साथ में मिलके करेंगे ना, क्या करेंगे, हम कमाएंगे ना साथ में, कुछ नहीं है ये पैसे। हाँ यार ठीक है कोई नहीं, जा सकते, मेरी बात सुन रहे हो तुम, जा सकते हो भाई, मैं कुछ कह रही हूँ तुमसे, नहीं सुन रहा यार वो, पैसा उसके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आपने क्या करवा दिया? मैंने क्या करवाया यार, पैसा मतलब आप यहाँ पे यही करने के लिए आए थे? अब मैंने कुछ गलत बोला था? जो करना आपको यहाँ जाके करो, आप यहाँ पे क्यों कर रहे थे, हमारे रिलेशन के बीच ऐसे क्यों करवाया आपने? क्या ये क्या रिलेशनशिप था, एक ये रिलेशनशिप है कि बंदा पैसे के लिए ऐसे कर दे? अभी तो तुम्हारी शादी भी नहीं उससे, कल को अगर तुम्हारी शादी, रो क्यों रही हो यार, कल को अगर तुम्हारी शादी हो जाती उससे तो आपको यहीं पे करना था ऐसा कुछ? कल को तुम्हारी अगर शादी हो जाती उससे और वो उसके बाद में इतने ऐसे पैसों के लिए तुम्हें कहीं छोड़ा, 7 ईयर का रिलेशनशिप है हमारा, अब नहीं, हमारी फैमिली को पता है, अब नहीं रहा यार, मतलब सब प्यार जितनी लॉयलिटी सब रखी रह गई यार, सारी चीज़ों रखी रहेगी ना, बताओ पैसों के लिए, तुम्हें भी मैंने वो चीज़ ऑफर करी, तुम भी ले सकती, बट तुमने नहीं ली क्योंकि तुम्हारे लिए प्यार ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, प्यार ज़्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए, बताओ, परेशान मत हो यार, ऐसे परेशान होगी तो पता है, और वैसे टेंशन लेने वाली बात नहीं है, वो जो नोट्स मैंने उसे दिए थे ना पैसे, वो नकली हैं, वो पैसे नकली थे, बट जो इंटेंशनली उस बंदे की जो इंटेंशन थी वो असली थी, जो उन पैसों के लिए छोड़ जाके देख लेगा, नकली पैसे हैं यार वो, इतने पैसे, इतना पैसे वाला कहाँ हूँ यार, इतने पैसे दे दूँगा किसी को, नकली पैसे हैं, अब वो तुम्हारे साथ में वापस भी आ जाएगा, तुम उससे एक्सेप्ट कर लोगी? मुझे भी चाहिए, तुम तो कह रहे थे 2-3 दिन की लड़ाई होती है हमारी, वापस आ जाते दोनों रिलेशनशिप में, हम एक वीडियो शूट कर रहे थे, सोशल एक्सपेरिमेंट, सामने कैमरा लगा हुआ है वहाँ पर,
प्रैंक बोलो या सोशल एक्सपेरिमेंट बोलो, मैं प्रैंक करने आया था तुमसे, हंसी मजाक करने आया था, पर मुझे लगा कि क्यों ना लॉयल्टी टेस्ट किया जाए तुम पर, वो चीज़ देख लिया यार गलत हो गया, मुझे भी बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था, मैं बड़ा रिलेशन में मैं बीच में आ रहा हूँ, बीच में नहीं आ रहा मैं बिल्कुल भी, परेशान मत हो यार, रो मत बिल्कुल भी मत रो, ये वीडियो मैं यूट्यूब और फेसबुक वगैरह पर डाल सकता हूँ, अब टेंशन मत, अब टेंशन मत लो, अब बिल्कुल भी परेशान मत हो यार। तो गाइस यार बताओ यार, कमेंट करके बताओ कि वीडियो में क्या सही लगा, क्या चीज़ें लगी। आजकल लॉयल्टी के चक्कर में लोग, मतलब लॉयल्टी है ठीक है सब चीज़ें, पैसों के सामने इतना ज़्यादा पैसों के लिए बड़ा कर दिया है कि यार इतने इतने साल का रिलेशन बंदा इतने साल की रिलेशनशिप में सब चीज़ें ख़राब कर दे रहा थोड़े से पैसे के लिए, पैसों के लिए छोड़ गया, इतनी बड़ी हो गई यार, तुम्हें समझ नहीं बंदे की कि अभी तक वो सही बंदा है या गलत बंदा है, बताओ। परेशान मत हो यार, मैं प्रैंक करने आया था, पता नहीं क्या ही हो गया यहाँ पर मुझसे, मुझे नहीं पता यार, परेशान मत हो यार। आप आपका नाम क्या है? श्वेता। श्वेता यार परेशान मत हो प्लीज़, मैं कुछ नहीं कह सकता, अब ऐसा नहीं है कि मैं लड़कीबाजी या फिर वैसा वैसे करके चीज़ें कर रहा हूँ, मैं फ्लर्ट कर रहा हूँ, मैं फ्लर्ट नहीं कर रहा बिल्कुल भी, बिल्कुल भी परेशान मत हो यार, और इन चीज़ों से प्लीज़ अवेयर रहो यार, पैसा पैसा ही सब कुछ हो गया आज के टाइम में लोगों के लिए, तुम्हारे लिए लॉयल्टी या तुम अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी बात है यार। और यार वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल पर नए हो, और मिलते हैं किसी ऐसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए सी यू देन, बाय बाय।